हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश की क्या करंट फीलिंग्स है आपके लिए, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर या कनेक्शन में आने के बारे में, तो सब कुछ देखेंगे। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके क्रश की, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। तो गाइस, आपको शांत करके मन उनका फेस विजुलाइज करना है। ओके, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के क्रश की क्या एनर्जीज है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स, द डेथ। ओके, सेवन ऑफ सोट्स। ओके, द जजमेंट। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ वॉन्स यहां पर है, टेन ऑफ वॉन्स यहां पर है, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोट्स, नाइन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, द फूल की एनर्जीज हैं, पेज ऑफ वॉन्स। ओके, तो गाइस, मुझे यहाँ पर ऑल ज्योतिष साइन ये रीडिंग दिख रही है, सारे ज्योतिष साइन यहाँ पर प्रेजेंट है, आपके हो सकते हैं या आपके क्रश के सारे ज्योतिष साइन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज्योतिष साइन है यहाँ पर। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके क्रश आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जब आप दूर भी होते हो ना, आपको ये देख लेते हैं, आप क्या कर रहे हो ये बस आपको ही नोटिस करते रहते हैं। चाहे आपके सामने आसपास रहते हो, चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे आप लोग साथ में स्टूडेंट हो, जो चाहे आप लोग स्टूडेंट हो, आपके साथ ही स्टडी करते हैं या करते थे, जो भी है, या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन मिले हो या चैटिंग वगैरह होती है, तो जो भी एनर्जीज हैं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज्यादा एक एक पल की खबर रखते हैं आपकी। और इनको ऐसा लगता है ना, आप कितने अच्छे हो, कितने ब्यूटीफुल हो, बेसिकली आप जो भी वेयर करते हो ना, उसमें ये काफी आपको ब्यूटीफुल देखते हैं आप। मतलब इनका ध्यान आपसे हटता ही नहीं है, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। और देखो, फिजिकली तो ये आपको अप्रिशिएट करते ही हैं, जो आप पहनते हो, जैसे आप लगते हो, जिस तरीके से आप अपने को कैरी करते हो, जिस तरीके से आप अपने को अच्छे से मेंटेन करते हो, उसको तो अप्रिशिएट करते ही हैं। बट एक सॉफ्ट हार्टेड हो आप, इमोशनल हो आप, एक अच्छा दिल है आपका, जो इनको बहुत पसंद है। देखो, कम्प्लीटली ये आपको अभी अच्छे से जानती नहीं है, बट जितना भी जानते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि आप कितने अच्छे दिल के हो, कितने अच्छे लगते हो, आप एक पैकेज हो जिसमें हर चीज है, एक पूरा फुल पैकेज हो, ऐसा कुछ ये देखते हैं आपको। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके क्रश का, लेकिन आपके क्रश का ना पास्ट रिलेशनशिप्स अगर ये रहे हैं, या अगर सपोज अगर इनका कोई रिलेशनशिप नहीं भी रहा है, तो भी जिनको ये पसंद करते थे ना, वो काफी अनफेथफुल रहे हैं, मैनिपुलेटिव रहे हैं, धोखा देने वाले रहे हैं, या इनका रिलेशनशिप था वहां पर इन्होंने ये चीजें फेस की हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है इनका अगर रिलेशनशिप्स रहे हैं जो भी, या एक था या दो था या ज्यादा थे, जो भी था, वहां पर इनको हमेशा चीटिंग ही मिली है, बैक स्टैप ही मिला है, बिट्रेल ही मिला है। कार्मिक पैटर्न्स चले आ रहे हैं इनके लव लाइफ में, धोखा मिलना, बस धोखा मिलना। तो अंदर ही अंदर ना ये टूट चुके हैं, इनको ऐसा लगता है हर कोई धोखेबाज है, ऐसा फील होता है इनको कहीं ना कहीं। देखो, फीलिंग्स इनके अंदर आपके लिए जरूर है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये भी धोखा दे देगी मुझे, या ये भी धोखा दे देगा मुझे, कुछ ऐसा ये फील करते हैं। बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने
लव रिलेशनशिप में बर्डन फील किया है, कंट्रोल, लिटरली इनको जितने भी हो सकता है रिलेशनशिप रहे हैं वो एक ही जैसे रहे हैं, एक ही पैटर्न से रहे हैं। कुछ कार्मा की वजह से हो सकता है, पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से, तो कुछ वो एनर्जी इसमें देख रही हूँ आपके क्रश की, ओवर बर्डन फील किया है इन्होंने। तो ये इनकी थॉट प्रोसेस ये है कि मुझे नहीं पढ़ना है किसी भी रिलेशनशिप में, मुझे नहीं जाना है, मुझे अब इन चीजों से दूर ही रहना है। मतलब प्यार से एक भरोसा कहते हैं ना, वो टूट चुका है इनका, बट फिर भी एक झुकाव आपकी तरफ फील करते हैं, एक लव आपकी तरफ फील करते हैं, एक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं। मतलब रोक कर भी ना रोक नहीं पाते, अपने दिल को कंट्रोल तो करते हैं कि यार नहीं ये भी ऐसी हो सकती है या हो सकता है, बट फिर भी एक खिंचाव सा फील करते हैं, फिर भी एक कुछ तो ऐसा है कि जो खींच के इनको आपकी तरफ ले आता है, ऐसा ये फील करते हैं। बहुत ज्यादा इंटेंसिटी आपसे फील करते हैं, आपकी आंखों में, आपके जिस तरीके से आप लगते हो उसमें खो जाना चाहते हैं, बोलते हैं ना डूब जाना चाहते हैं, वो एनर्जी इसमें देख रही हूँ। बहुत इंटेंसिटी फील करते हैं, बहुत पैशन फील करते हैं आपकी तरफ। आप ना इनको ऐसा लगता है कि क्या है पता नहीं इसके अंदर, मैं क्यों खींचा चलाता हूँ या क्यों खींची चली जाती हूँ, वो एनर्जी इसमें देख रही हूँ। यहाँ पर चाहते हैं कि नहीं यार मुझे नहीं आना है, उसका थॉट नहीं लाना है, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं जाना है इसके पास, बट फिर भी आप देखते होगे ना ये आप ही को घूर रहे हैं, आप ही को ताड़ रहे हैं, आप ही का वेट कर रहे हैं, आप ही को मैसेज देने के लिए पागल हुए जा रहे हैं, या आप थोड़ी देर में रिप्लाई कर रहे हो तो ये पागल हो जा रहे हैं कि कहाँ बात कर रही है या कहाँ बात कर रहा है, या आपको मैसेज पे मैसेज करना, एक डॉटी भेजना या फिर स्माइलीज भेजना, इमोजीज बेसिकली, तो वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। इनके दिल दिमाग में ना एक जंग सी चलती है, दिल कहता है कि इसकी तरफ बढ़ो और दिमाग कहता है नहीं गलत है, ये भी धोखा दे देगी या धोखा दे देगा, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ या करती हूँ, फिर मुझे लास्ट में डिच ही मिलता है, बिट्रेल ही मिलता है, मुझे नहीं पढ़ना है, वो एनर्जी इसमें देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी क्रश, आप या तो आपका क्रश कोई ऐसा है जो जिसकी ऑलरेडी कोई ऐसा फ्रेंड है, या फ्रेंड फीमेल है या मेल है जो भी है, वो इनको लाइक करती है या लाइक करता है, कोई ऐसी एनर्जीज भी मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ, या फिर आपके क्रश मैरिड है, डाइवोर्सी है, कुछ वो एनर्जीज भी दिख रही है, या कोई इनको लाइक करता है, पसंद करता है आपकी तरह ही। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये ना बेसिकली सोचते हैं कि अगर मैं सपोज प्रपोज भी करूं इसे, या आपके लिए सोचते हैं अगर मैं इनको प्रपोज भी करूं तो आप मना कर दोगे, कुछ वो एनर्जीज ये इनको फील होती है, आप मना कर दोगे, या फिर इनको लूजर सा फील होगा जो कि ये फील नहीं करना चाहते हैं, वो चीजें भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट इनको ऐसा लगेगा, इनको ऐसा लगता है काश ये मेरी लाइफ में आ जाती। देखो यहाँ पर दिल और दिमाग इनका जंग करता है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, उसमें फंसे रहते हैं ये। दिल कहता है काश ये मेरी लाइफ में आ जाती, मेरे सपने पूरे हो जाते, ये कितनी सुंदर है, कितना अच्छी है, या कितना अच्छा है, कितना हैंडसम है, वो चीजें इनको लगता है कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाती। बेसिकली लव लाइफ इनकी कभी अच्छी नहीं रही है, लव लाइफ में हमेशा इनने प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स ही फेस किए हैं, तो वो चीजें ये सोचते हैं। मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इन्होंने अपने को बहुत चेंज किया है, अब ये चाहते ना आपका कोई थॉट प्रोसेस इनके दिमाग में ना आए, आपकी तरफ ये बढ़े ही ना, आपको ये देखे ही ना, बस मुझे नहीं जाना है, क्यों मेरा दिल फिर भी इसके पास खींचा चला आता है, क्यों क्यों, ऐसा ये सोचते रहते हैं। बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, वो एनर्जीज भी मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं ये इनकी फीलिंग्स होती हैं। और आप ना इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो लगते हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, सपने देखते हैं आपको प्रपोजल देने के, आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप में आने के, सपने तो देखते हैं। देखो हकीकत में नहीं चाहते हैं ये चीजें, बट दिल सपना वो तो देखते हैं, उसमें किसी का जोर नहीं है, वो तो इनको आ ही जाता है। आपके साथ सेलिब्रेशन, ऐसी कोई एनर्जीज मैं देख रही हूँ, आपको प्रपोजल, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि
आपके अंदर एक स्पार्क है, इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो है इसके अंदर कि जो मेरी आंखें हटती नहीं है इसमें से, कुछ तो है जो मैं खींचा चला आता हूँ या खींचा चली आती हूँ, तो वो ऐसी कुछ चीजें ये फील करते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनका आपके लिए। डेटिंग में जाना चाहते हैं, देखो चाहते तो बहुत कुछ है पर एक डर इनके मन में मुझे फर्स्ट शॉट दिख रहा है, यहाँ पर डर बहुत है। और एनर्जीज देख लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए और क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के क्रश की और क्या एनर्जीज हैं। देखो आपको जानने के लिए बहुत क्यूरियस है कि आप क्या करते हो, कैसे रहते हो, आप कैसे इंसान हो, क्या आपकी लाइफ में कोई है तो नहीं, आप किसी को पसंद तो नहीं करते हो। बहुत मतलब सवाल बहुत है इनके दिमाग में जो कि पूछ भी नहीं पाते हैं। हो सकता है आप दोनों का इतनी बातें ना होती हो, तो बेसिकली सवाल बहुत है इनके दिमाग में। आपके क्रश ना मुझे काफी गुड लुकिंग हो सकते हैं या ब्यूटिफुल हो सकती है, वो भी दिख रही है। ओके यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए और क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के क्रश की। नाइट ऑफ वॉन्स, देखो फ्लर्ट भी करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा फ्लर्ट करना चाहते हैं। हो सकता है करते भी हो कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों की क्रश फ्लर्ट भी करते हैं उनके साथ, ये भी एनर्जीज दिख रही है। बेसिकली मुझे जो एनर्जीज फील हो रही है ना यहाँ पर कि आपको लेके कहीं डेट में जाना, कहीं एक मीट टाइम चाहिए इनको, या कुछ ऐसा कि जहां पर ये आपको देखते रहें, अपने दिल की बात करें, कुछ ऐसा ये सोचते रहते हैं, इनके दिमाग में चलता ही रहता है। मतलब सब कॉन्शियसली चाहे ना चाहे आप ही इनके दिमाग में घूमते रहते हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के क्रश की। फिर से पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड निकल के आया है, तो यस फायर है आप दोनों के बीच में। आप भी ना उतना ही इंटेंसिटी इनसे फील करते हो, इंटेंसिटी सेम है दोनों जगह, बोलते ना दोनों जगह आग सेम लगी है, वो चीज मैं देख रही हूँ। ये और देख लेते हैं, फिर से दा फूल आ गया। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ की, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा से लव फील करना चाहते हैं। बेसिकली इनने लव फील किया ही नहीं है, इनको ऐसा प्यार मिला ही नहीं है, वो प्यार चाहते हैं कहीं ना कहीं, वो चीजें मुझे दिख रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए यूनिवर्स। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है यहाँ पर, ओके कंडीशनिंग, नो थिंकनेस, ओके वी आर द वर्ल्ड। देखो आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इनके लिए फील करते हो। पार्टिसिपेशन, देखो आप भी चाहते हो कि मतलब आपकी भी एनर्जीज हैं कि मैं ही प्रपोज कर दूं, क्या ऐसे ये तो नहीं कर रही या नहीं कर रहा है तो मैं ही इसे प्रपोज कर दूं, कुछ ऐसा आप फील करते हो, या फिर अपने दिल की बात कह दूं, पर कहीं ना कहीं आप भी बधे हो, कहीं ना कहीं आप भी पहल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आता इनका रिएक्शन क्या है। हो सकता है कभी ये आपको वियर्ड कभी कभी वियर्ड बिहेव करते हैं, और ये वियर्ड कभी ये बहुत अच्छा बिहेव करते हैं आपके साथ, कभी बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं। वो चीजें इसलिए होती है ना, इनका दिल कहता है कि दूर रह इससे, सॉरी इनका दिमाग कहता है दूर रह इससे, और दिल कहता है नहीं जाना चाहिए, इस वजह से ये थोड़ा बिहेव वियर्ड बिहेव करते हैं। तो आप ना कंफ्यूज्ड हो इनके एक्शन से, तो आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस यही है, थोड़ा वेट करो और ये खुद ही आपको अपने दिल की बात कहेंगे, बस आपको वेट करना है। ओके फ्लो के साथ बहते जाओ, थोड़ा वेट करो और इतना मत सोचो कि ये कब प्रपोज करेगा करेगी, क्या ये हमारा रिलेशनशिप, कभी हम रिलेशनशिप में आएंगे, ये वो कुछ भी मत सोचो, चीजें खुद से हो जाएंगी। ओके तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, क्योंकि आपके लिए क्रश की रीडिंग आती रहेगी और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज़।